एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। हेलो ऑडियंस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर अप टू योर बेस्ट हेल्थ। तो लीजिए आगे आपके अपने एक्टोमेशन चैनल की न्यूज़ कैप्सूल का एपिसोड नंबर 27। दोस्तों पिछले 24 घंटों में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या खबरें रही, सब कुछ बताऊंगा आपको। उसके लिए हमारे इस न्यूज़ कैप्सूल को एंड तक जरूर से देखिएगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजा के ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके जैसे ही हम एक नई वीडियो अपने एक्टोमेशन चैनल पर अपलोड करते हैं। दोस्तों अपनी न्यूज स्टार्ट करूं उससे पहले आपको कुछ अपडेट्स देनी थी। दोस्तों टीवी में मीडिया में बहुत ही खबर चली थी पिछले दिनों, दो तीन दिनों से बहुत ही खबरें आ रही कि सोशल मीडिया ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह सब बैन हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने सरकार के आईटी नियमों का उल्लंघन किया हुआ है और इन्होंने अगर एक दो दिन में कुछ नहीं किया तो ये बैन भी हो सकते हैं 24 से 48 घंटों के अंदर, ऐसी खबरें निकली थी। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि अब तो सबसे पहले गूगल ने, फिर फेसबुक ने, फिर उसके बाद ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह सब ये सब मान चुके हैं अब कि वो सरकार के आईटी नियमों का बहुत ही कड़ाई से पालन करेंगे और वो इन नियमों को उल्लंघन नहीं करेंगे। और देखिए दोस्तों ये तो होना ही था क्योंकि किसी भी सरकार के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करना, किसी भी सोशल मीडिया बड़े प्लेटफॉर्म को बैन करना इतना आसान नहीं होता है और ना ही उस सोशल मीडिया के लिए आसान होता है कि वो अपने इतने वर्ल्ड वाइड जो फैले हुए अपने बिजनेस को एक कंट्री में ठप करा सके। तो दोस्तों इसका कोई ना कोई तो रास्ता निकलना ही था, या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार से थोड़ी मोहलत मांगते या फिर सरकार ही अपना आईटी नियमों में चेंज लाती। लेकिन दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से अभी भी जटिलताएं बनी हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप का कहना है कि इन आईटी नियमों को लागू करके सरकार का सीधा सीधा व्हाट्सएप से ये कहना है कि जो भी व्हाट्सएप पे बलगर पोस्ट या फिर कोई अफवाह वगैरह जो सरकार के खिलाफ वगैरह हो, पोस्ट जो सरकार को पसंद नहीं हो और जो नहीं व्हाट्सएप पे होनी चाहिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका सरकार एक जायदा लेगी व्हाट्सएप से और जिसके कारण व्हाट्सएप को अपनी इंक्रिप्शन तोड़नी पड़ेगी। लेकिन उनके चैट्स तो होते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो इसके कारण उनको इंक्रिप्शन तोड़नी पड़ेगी ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये किस सोर्स से ये पोस्ट आ रहा है। और दोस्तों इसे हम सीधे सीधे कहते हैं व्हाट्सएप की लैंग्वेज में ट्रेसिबिलिटी, और इस ट्रेसिबिलिटी का पालन करवाना सीधा सीधा व्हाट्सएप का उसको लेकर ये कहना है कोर्ट में कि सरकार ने अपनी कानूनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों इन सब बातों का निष्कर्ष तो ये निकलता है कि फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम तो कहीं नहीं जाने वाले, इसको आप जैसे यूज़ करते थे वैसे आप आके भी यूज़ कर पाएंगे। ये सभी नियमों का, आईटी नियमों का अच्छे से पालन करने का इन्होंने कह दिया है। और अब फेसबुक का मामला अभी भी उलझा हुआ है, देखें आप आगे इस पर और क्या फैसला आता है। अगला अपडेट हमारा आ रहा है अमेज़न की तरफ से। आपको बता दें अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस औपचारिक रूप से 5 जुलाई को अपने सीईओ का पद उस कंपनी से छोड़ देंगे। एंडी जैसी होंगे अगले सीईओ अमेज़न के, और उन्होंने ये तारीख इसलिए चुनी क्योंकि ठीक 27 साल पहले अमेज़न की इसी तारीख पे उसकी स्थापना हुई थी और यह काफ़ी उनके लिए भावुक पल होगा। चलिए दोस्तों अपनी पहली खबर की शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। आपको बता दें लगातार दूसरे दिन कोविड 19 के मामलों में फिर से बढ़ोतरी आ गई है। आपको बता दें पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,11,298 मामले सामने आए, वहीं मौतों में कमी दिखाई दी है, 3,847 मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटों में। दोस्तों हमारी अगली चौंका देने वाली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के एक होल्डिंग सेंटर में 53 रोहिंग्या मिले कोविड 19 पॉजिटिव। दोस्तों कर्नाटक सरकार ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, उन्होंने निजी अस्पतालों से ये अनुरोध किया है कि शवों को सौंपने से पहले परिजनों को उसके बिल भरने पर मजबूर ना किया जाए। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक खबर फैल रही थी जिसमें एक योजना के तहत बताया जा रहा था कि सरकार ने ऐसा कहा है कि वो जो बेरोजगार हो गए हैं युवा जो इस लॉकडाउन में जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है उनको 3500 रुपये प्रति माह देने की ऐसी योजना बनाई है। लेकिन सरकार ने इसे गलत बताते हुए बिल्कुल खारिज कर दिया है कि ये फेक खबर है और इसे PIB फैक्ट चेक पर भी डाल दिया है।
दोस्तों हमारी अगली खबर आ रही है यूपी से। आपको बता दें यूपी सरकार बहुत ही तैयार है कोविड-19 से हर तरह से निपटने के लिए। अब उन्होंने यह कह दिया है कि अस्पतालों में पोस्ट कोविड-19 इलाज भी फ्री में किया जाएगा। दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तबीयत बहुत ही महीनों से बिगड़ी हुई है और अब उनकी तबीयत और ही ज्यादा बिगड़ गई है। अब उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं राजस्थान में 18 महीने के बच्चे में जो कैंसर से पीड़ित था उसमें ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है। वहीं रशिया ने कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने जानवरों तक को वैक्सीन देना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों हमारी अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। आपको बता दें जो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बीच जो छुपते छुपाते जो शादियां हुई हैं उसको मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध घोषित कर दिया है और उन्हें प्रमाण पत्र भी नहीं जारी किया जाएगा। आपको बता दूं मई में जितने भी लोग अब तक कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं उनमें 18 से 30 वर्ष की उम्र के लोग सबसे ज्यादा हैं। आपको बता दूं 84 वर्ष के एक बुजुर्ग मोहब्बत सिंह कोविड-19 की एंटीबॉडी कॉकटेल को लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। एक्टर संजय दत्त को यूएई में रहने का गोल्डन वीजा मिल चुका है। इस वीजे से वो 10 साल तक उन्हें यूएई में रहने का रेसिडेंसी परमिट मिल चुका है और इसके लिए उन्होंने यूएई की सरकार का धन्यवाद भी किया है। मई में 14वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। आपको बता दें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बनाए गए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक आशीष चौहान। 3000 वर्षों में पहली बार जन्मे ऑस्ट्रेलिया में तस्मानियाई डेविल। जवाहरलाल नेहरू जी की 57वीं पुण्यतिथि पर राहुल गांधी बोले बर्दाश्त की गई बुराई पूरे सिस्टम को जहरीला कर देती है। दोस्तों आपने YouTube पे एक्सपेरिमेंट्स के चैनल तो देखे ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, बस वही करने के लिए एक यूट्यूबर ने अपने पालतू कुत्ते को हाइड्रोजन गुब्बारों से लटका के नीचे फेंक दिया कई मंजिलों से और नीचे से उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन इसके चलते उस पर केस हो गया और वो हो गया अरेस्ट अपने पालतू कुत्ते की जान जोखिम में डालने के लिए। आपको बता दें अब दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी धारकों में से हैं हाई स्कूल के 2 34 वर्षीय सहपाठी। अमेज़न कंपनी ने अब 8.45 अरब डॉलर में मेट्रो गोल्डविन मेयर स्टूडियोज को खरीद लिया है और इसे बताया कि यह कंपनी का दूसरे सबसे बड़ा अधिग्रहण है। दोस्तों आपको बता दें इंफोसिस कंपनी के सीईओ सलील पारेख को 2020-21 वाले सत्र में 49.68 करोड़ का वेतन मिला। दोस्तों एलोन मस्क तो डॉज क्वाइन और क्रिप्टो करेंसीज पर अपने ट्वीट्स करते रहते हैं, तो एक यूजर ने उनसे ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पूछा कि डॉज क्वाइन को तो वो अपनी कंपनी की तरह बर्ताव करते हैं, तो इस पर एलोन मस्क ने जवाब देते हुए कहा कि कृपया इस पर ध्यान दें, इस पर मेरी जो अधिकार करने की क्षमता है वो सीमित ही है। दोस्तों आपको बता दें कैलिफोर्निया में हुई गोलाबारी में कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए और उसमें एक संदिग्ध की भी मौत हो गई। दोस्तों सरकार ने बताया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 15 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर की तरफ। आपको बता दें रियल मैड्रिड के एक सीजन में एक भी ट्रॉफी ना जीतने के बाद कोच जिदान ने कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए दोस्तों आज की हमारी सारी खबरें होती खत्म। हमारा कैप्सूल कैसा लग रहा है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और ये न्यूज दोस्तों अच्छी लग रही है ना, यस स्मैश दैट लाइक बटन अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए बेल आइकन प्रेस करके। और दोस्तों इस वीडियो में बस नहीं, मैं मिलूंगा आपसे एक्टोमेशन की अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।